किया, मैं अपना प्लान कैसे देती हूँ ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले तो जो हम बिलियन डॉलर कंपनी की फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, हम किसी भी और फ्रेंचाइजी की बात कर रहे थे सुबह तो हम लोग करोड़ों रुपए की बात कर रहे थे, लेकिन अगर इंडिया में आपको जूनस की फ्रेंचाइजी लेनी है, सिर्फ फ्रेंचाइजी में मतलब जूनस का अपने नाम का आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए तो इंडिया में आपके लिए वो ज्वाइनिंग फ्री है, बट आप उसमें बिजनेस नहीं शुरू कर सकते जब तक आप उसके लिए अपना पैकेज नहीं लेते। ज्वाइनिंग करने से फायदा क्या है कि आपको अपने नाम से पर्सनल वेबसाइट मिल जाती है जिसका इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। वो कैसे कर पाएंगे, वो आपके रिटेल प्रॉफिट में भी हेल्प करेगा, वो आपको आगे रिक्रूटिंग में भी हेल्प करेगा। अगर हम बात करते हैं सिक्स वेज ऑफ इनकम की, क्योंकि अभी जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी अगर हम रिटेल की ही बात करते हैं तो जैसे फर्स्ट इसमें सिक्स वेज ऑफ इनकम है, पहली बात फर्स्ट है रिटेल इनकम जिसको आपने अभी सब लोगों ने सुना भी है, सेकंड है फर्स्ट सेल टारगेट बोनस जिसको मैं बोलती हूँ, थर्ड वे ऑफ इनकम है जिसको टीम कमीशन कहा जाता है, फोर्थ वे ऑफ इनकम है मैचिंग बोनस, फिफ्थ वे ऑफ इनकम है डिस्ट्रीब्यूटेड रिटेंशन इंसेंटिव प्रोग्राम, सिक्स्थ वे है डायमंड बोनस पूल। अब इसको अगर मैं डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करती हूँ तो रिटेल प्रॉफिट जो कि एक इमीडिएट इनकम भी है हमारे सबके लिए, वो कई तरीके से अर्न की जा सकती है। सपोज आपके पास जो वेबसाइट है, जो पर्सनल वेबसाइट आपके अपने नाम से बनी है, पर्सनल आपके नाम से, उस वेबसाइट को अगर आप शेयर करते हैं विद योर वीडियोज एंड एवरीथिंग और 150 प्लस कंट्रीज में जब आप शेयर करते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट से, जैसे कि आप और ऑनलाइन साइट से परचेज करते हैं, वो प्रोडक्ट परचेज करता है तो ऑटोमेटिकली कंपनी आपके अकाउंट में कमीशन के तौर पे रिटेल प्रॉफिट भी आपको ट्रांसफर करती है। एक तो वो तरीका है, जो दूसरा तरीका है कि जो हमारे हम अपनी आईडी पे जो परचेज करते हैं, जैसे कि आपको रिटेल कस्टमर यहाँ पे बताया गया है इस जगह पे, तो रिटेल कस्टमर के लिए जो बताया गया है ये वो कस्टमर है जिनको कि हम लोग अपने आसपास वाले लोगों को बाय हैंड अगर देना चाहते हैं तो हम उनसे इमीडिएट जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो प्रॉफिट क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है और जो एमआरपी होती है उसका जो डिफरेंस होता है वो हम रिटेल प्रॉफिट इसको अर्न करते हैं। सेकेंडली हम और इस तरीके से कैसे अर्न कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे जूनस प्रिफर्ड कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, जूनस प्रिफर्ड कस्टमर्स वो कस्टमर्स हैं जिनको हम चाहते हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करें और लाइफ टाइम हमारे साथ रहें। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती है डेफिनेटली इसके साथ रहती है, वो लोग होते हैं जो अपना चेक नहीं देना चाहते, तो ऐसे कस्टमर को हम बोलते हैं कि आप अपने नाम की सिर्फ फ्रेंचाइजी ले लीजिए, आईडी ले लीजिए और आप अपना एमआरपी से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का जो डिफरेंस है आप उसको अर्न कर सकते हो। तो उसमें आप अपने लिए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर जो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो पर्सनल लेवल पे, चाहे आप किसी को देना चाहो, तो ये जूनियर प्रिफर्ड कस्टमर्स के तौर पर हम काम कर सकते हैं, उसमें उनको अपना चेक देने की नीड नहीं पड़ती है। अगर इससे पहले मैं पिछली स्लाइड पे जाना चाहती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे रिटेल सेल्स बोनस की या फर्स्ट सेल टारगेट बोनस की, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि जब भी कोई नया व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, इंडिया से बाहर अगर कोई ज्वाइनिंग करता है तो उसको $30 पे करने पड़ते हैं, इंडिया में अगर कोई ज्वाइनिंग करता है तो अच्छी बात है कि ज्वाइनिंग की तो कोई चार्जेस नहीं है, बट अगर कोई व्यक्ति जुड़ता है, सपोज कोई हमने किसी कस्टमर की तरह ही कोई जुड़ना चाहता है, हम कहते हैं ठीक है आप कस्टमर्स की तरह हमारे पास आइए लेकिन मुझे उसके अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है कि ये पर्सन इन फ्यूचर में कर सकता है, तो मेरा कोशिश क्या रहती है कि पहले मैं उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर आऊं, लेकर आने का सेंस कि मैं उसे कहती हूँ चलो अपने नाम से ज्वाइनिंग डालो क्योंकि आप मेरे से थोड़ी दूर हो, आपको मेरे पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके नाम से पर्सनल वेबसाइट रहेगी, तो आपके पास जेब ऑफिस जो बैक ऑफिस एक एडवांस बिजनेस ऐप है कंपनी के द्वारा बनाया गया, उस ऐप की मदद से आप अपने घर पे बैठ के अपनी पर्सनल शॉपिंग कर सकते हो चाहे कुछ भी, और कंपनी के जो ऑफर्स आते रहते हैं वो भी आपको मिलते रहते हैं। तो उस चीज में क्या है, सपोज जैसे हमारे पास इस समय भी ऑफर्स हर मंथ हमारे पास आते हैं तो उन ऑफर्स का बेनिफिट भी वो कस्टमर उठा सकता है। रिटेल सेल्स बोनस में अगर सपोज कोई व्यक्ति आता है तो उसमें हमारे पास पैकेजेस बने हुए हैं जो कि लाइफ में एक ही बार कोई व्यक्ति अपनी ज्वाइनिंग डालते ही ले सकता है। जो पैकेज वो लेता है उसके ऊपर जो कि चार पैकेजेस कंपनी के द्वारा निर्धारित है, पांच पैकेज हो चुके हैं जबकि, फर्स्ट है जिसको हम बेसिक पैक बोलते हैं जो कि 15,000 समथिंग का है, उसमें इंडिया में जो कमीशन है वो दो लोगों में बांटी गई है, जो ज्वाइन कर रहा है वो
और जिसने स्पॉन्सर किया है उसको, सपोज यहाँ पर 810 810 कमीशन बांटी गई है जो बेसिक पैक है, उसके बाद सुप्रीम पैक है, जंबो पैक है और हमारा एम्बेसडर पैक है। जो हाईएस्ट जो पैक है वो 84,000 समथिंग का पैक है, जिसकी कमीशन 8,125 रुपए है, जो कि स्पॉन्सर को भी मिलती है और जिस व्यक्ति ने ज्वाइन किया है उसको भी मिलती है। तो किसी भी व्यक्ति ने अगर आपके साथ एक विश्वसनीय कस्टमर की तरह ज्वाइन किया है तो हम पहले उसको बता सकते हैं कि अगर कंपनी ने पैकेजेस तैयार कर रखे हैं, इसमें कंपनी जो आपसे कॉस्ट ले रही है 15,345 रुपए, एक्चुअल में 17,000 समथिंग की आपको कॉस्ट के प्रोडक्ट दे रही है, जिसकी एमआरपी लगभग 24,000 रुपए है, साथ में 810 रुपए का बेनिफिट आपको भी मिलता है। तो जब हम कस्टमर को उसके कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हम उसको रिटर्न दिखा रहे हैं, तो कोई भी कस्टमर उसको लेने से हेजिटेट नहीं करता, उसको एक ट्रस्ट आपके ऊपर भी हो जाता है कि ये व्यक्ति मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, ये मेरे फायदे की बात कर रहा है, तो उसका और आपका एक रिलेशन बिल्ड होगा और आपके ऊपर विश्वास कर पाएगा। तो इस तरीके से ये जो सेकेंड में आपको दिखाया गया था कि कमीशन जो कह सकते हैं जूनियस प्रिफर्ड कस्टमर्स के ऊपर जो बात की गई थी, तो ये उस तरीके से आप कस्टमर से अपना रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वे ऑफ इनकम की, वे टू अर्न टीम कमीशन। ये हम ग्रुप वॉल्यूम के ऊपर बात कर रहे हैं। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मुझे ये कमीशन अर्न करनी है तो पहला स्टेप उसका क्या है कि मुझे उसके लिए एक टारगेट चाहिए कि मुझे पहले खुद अपनी अर्निंग अपनी आईडी डालनी है पर्सनल अपने नाम से, फिर मुझे अपने डायरेक्ट से अपने दो फ्रेंड्स को रिक्रूट करना है और इस 1 2 3 जो ये ट्राइपॉड कह सकते हैं या इसको ट्राइपॉड कह सकते हैं या तीन आईडीज बोल सकते हैं, ये जो हमारा है ये हमारा बेसिक रैंक है जो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर आप जितने ज्यादा इसको बनाने की कला जान लोगे उतना ज्यादा बढ़ना शुरू कर दोगे। मींस 100 CV अगर मिनिमम टारगेट है, मिनिमम 100 CV मिनिमम इसको करना है, 100 CV मिनिमम इसको करना है, क्योंकि जो पैकेजेस है उसमें अलग अलग CVs हमारे पास निर्धारित हैं, लेकिन मिनिमम 100 CV का टारगेट कंपनी ने रखा है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे यूजर के तौर पे ही जुड़ रहा है, अगर आपके साथ 100 CV का ऑर्डर डाल देता है आपके डायरेक्ट से, तो वो आपके लिए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपके में काउंट होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 80 CV का ऑर्डर डालता है तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे 100 CV का आईडी डालना जरूरी है और यही हमारे बेसिक है हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जरूरी। तो ये एग्जीक्यूटिव रैंक अगर कोई करता है तभी वो टीम कमीशन पाने का हकदार बनता है। मींस अगर उसको टीम कमीशन चाहिए, टीम कमीशन क्या है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो प्लान है वो हाइब्रिड बाइनरी कॉम्पनसेशन प्लान है। हाइब्रिड बाइनरी मतलब 5 तरीके की इनकम, जो आपने 6 तरीके की इनकम देखी थी उसमें 5 तरीके की इनकम है जिसको हम जनरेशन इनकम बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपके द्वारा रिक्रूट किए हुए पर्सनल या डायरेक्ट लोगों से जो आपको कमीशन प्राप्त होती है उसको बोलते हैं जनरेशन इनकम। और एक तरीके की इनकम है जिसको बाइनरी में कहा गया है। वाई जनरेशन प्लस बाइनरी प्लान इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में कहते हैं ना स्टेबल करने में हेल्प करता है। क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते हो, हमारे पास मेरे पास 20 बच्चे हैं, तो मैं 20 बच्चों के लिए उतनी शायद उतनी उनको हेल्प नहीं कर पाऊंगी, उनके पालन पोषण में उतना काम नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर मेरे पास 2 ही बच्चे हैं तो 2 फैमिलीज को संभालना फिर भी मेरे लिए आसान है कंपैरेटिव टू 20 से 25 फैमिलीज को संभालने से। तो कंपनी ने इस बात को समझा है कि सबको स्टेबिलिटी मिलती जाए, सबको सपोर्ट सिस्टम मिलता जाए, उसके लिए कंपनी ने जनरेशन प्लस बाइनरी प्लान का कॉम्पनसेशन प्लान हमें दिया है, जो कि हम सबके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो ये जो तरीका है, क्योंकि टीम कमीशन में हमको लेना है तो हमको अपनी कोई भी ज्वाइनिंग डालनी है तो हमें यहीं पर डालनी है। चाहे ये व्यक्ति सपोज शालिनी है तो शालू ने अगर ज्वाइनिंग डालनी है, तीसरी भी ज्वाइनिंग डालनी है, तो घुमा के मुझे यहीं डालनी पड़ेगी या मुझे घुमा के लेफ्ट या राइट में डालनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी अपने बैक ऑफिस में भी आपको प्लेसमेंट के लिए लेफ्ट या राइट की ही ऑप्शन देती है, उसके अलावा कंपनी ऑप्शन नहीं देती कि आपको कहाँ डालना है। तो इस तरीके से चाहे ना चाहे, अगर यहाँ पे रुचिका जी है तो मुझे उनको चाहे ना चाहे सपोर्ट करना ही पड़ेगा। सपोज अगर मुझे रीना डालनी है इनके नीचे, तो रीना जो काम करेगी उसका बेनिफिट रुचिका तक भी जाएगा और सबके तक जाएगा। तो इस तरीके से ये जो इनकम है टीम कमीशन, ये आपको डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट हर पर्सन से मिलती है, स्पिल ओवर से भी मिलती है। सपोज शालिनी के ऊपर प्रशांत सर यहाँ पर है, तो प्रशांत सर को मजबूरी है क्योंकि वो भी लेफ्ट और राइट में ही डालेंगे, तो वो भी अगर कोई घुमा के डालते हैं, तो अगर आउटर लेग में डालते हैं तो इसका बेनिफिट रीना और रेहाना या रुचिका जी को भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से कमीशन तभी बोला गया है कि ग्रुप वॉल्यूम के ऊपर बात की गई है। तो ये जो
इनकम है जिसको हम बोलते हैं टीम कमीशन या साइकिल इनकम के ऊपर बात करते हैं, या साधारण भाषा में इसको हम बाइनरी इनकम भी बोलते हैं। अब इसमें लेफ्ट और राइट में एक तरफ 300 सीवी एक तरफ 600 सीवी, मतलब ये ग्रुप वॉल्यूम है जो कि आपको एक व्यक्ति से नहीं चाहिए, उसके नीचे ये लेकर आए, ये लेकर आए, या ये लेकर आए, या इसके नीचे से कोई यहाँ पर व्यक्ति लेकर आए, आपके लेफ्ट और राइट वॉल्यूम से ही काउंट होता है। 300 सीवी और 600 सीवी मतलब ग्रुप वॉल्यूम, यहाँ पर ग्रुप वॉल्यूम की बात की जा रही है जो कि आपको मिलेंगे अपने पूरे ग्रुप से, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी से भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक साइकिल पे 2275 रुपये मिलते हैं, जिसको हम अगर पूरी वर्ल्ड की बात करें तो $35 की बात हम करते हैं, और 750 साइकिल्स की कैपिंग लगती है पर वीक। 750 साइकिल्स की कैपिंग का मतलब यह है कि अगर आपकी साइकिल किसी हफ्ते 800 हो जाती है, 1000 हो जाती है, तो वो साइकिल्स आपकी खराब नहीं होती है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सपोज अगले हफ्ते आपकी 600 साइकिल हुई है, तो पिछले हफ्ते आपकी 1000 साइकिल हुई थी, तो अगले हफ्ते आपको उसी पिछले जो साइकिल्स बची है उसका कमीशन आपको आगे एड ऑन कर दिया जाएगा, मतलब आपकी मेहनत को कहीं यहाँ पर कोई स्पॉइल नहीं कर रहा। मैडम ये बताओ 2275 एक साइकिल मिलेगा बराबर? राइट सर। तो एक साइकिल मुझे लेने के लिए 900 सीवी कितना पैसे डालने पड़ेंगे? अकेले आपको नहीं डालने हैं सर। कितने पैसे कितने होंगे वो तो बताएंगे? पैसे कितने होंगे मेरे साथ अगर ये कोई सवाल करता है तो मैं उसको पैसे बोलने के बजाय मैं बोलती हूँ लोग कितने डालने पड़ेंगे। अगर हम बिजनेस बात करते हैं तो करीबन करीबन अगर मैं बात करते हैं 130,000 रुपए डालने पड़ेंगे। 130,000, 130,000 के हिसाब से आप 2275 छोटा बहुत नहीं है, बट ये तो हमारा एक एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है क्योंकि हम तो जनरेशन प्लस बाइनरी प्लान की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन रखना, जब मैं आऊंगा तो पूछना इसका जवाब, मैं सिर्फ क्रॉस जवाब। क्या हमें सेफ्टी जोन पे आना है? दूसरी चीज, अगर मैं एक ही लाइन में काम करूं, एक लाइन आप चलाओगे क्या? पॉसिबल नहीं, क्योंकि कंपनी का इसमें रूल ही नहीं, क्योंकि कंपनी की कंडीशंस यहां पे अलग दी हुई है। अगर एक लाइन में काम करूं तो मेरा रैंक नहीं बढ़ेगा राइट? कंपनी हमें जनरेशन प्लस बाइनरी प्लान दे रही है तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर दोनों लाइनों में काम करना कंपलसेशन भी है, 70%, 30%। आपको अगर एक लाइन में सपोर्ट चाहिए तो डेफिनेटली आप 70% में हेल्प मुझे ले सकते हैं, लेकिन 30% तो आपको दूसरी लाइन में डालना ही पड़ेगा। बाइनरी यहाँ पे बहुत छोटा है, पैसा बहुत कम मिल रहा है मुझे, 1,25,000 डालने पे 2275 मिल रहा, शायद 0.1% भी मिल रहा है। अगर आप सिर्फ इसी के लिए काम कर रहे हो तो मेरे ऐसा व्यक्ति कहते हैं सिर्फ इसके लिए काम मत कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको अगली क्वेश्चन नोट करेगा, जब मैं आऊंगा मुझे याद दिलाना, ठीक? जब मैं आऊंगा तो मुझे याद दिलाएगा। ओके, ये कमीशंस वाला सबको क्लियर हो गया, इसमें कोई और क्वेश्चंस तो नहीं है आप लोगों के? अब यहां पर एक अगली इनकम आती है जिसको हम बोलते हैं मैचिंग बोनस। अब ये मैचिंग बोनस क्या है? ये टोटल जनरेशन प्लान है, क्योंकि वो वाला जो इनकम था वो बाइनरी था, जैसे सर ने बोला कि बाइनरी छोटी है लेकिन ये बहुत बड़ी इनकम है, और सच में ये बहुत अच्छी लगती है जब हम इस इनकम पे आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मली बाइनरी प्लान्स की बात करते हैं तो वहाँ पे टोटल इनकम केवल बाइनरी की होती है, या फिर डायरेक्ट की एक इनकम होती है, दो इनकम्स होती है, लेकिन यहाँ पे हम जनरेशन प्लस बाइनरी की बात कर रहे हैं। तो बाइनरी आप लोगों को छोटी लग रही है लेकिन वो एक एक्स्ट्रा इनकम है, हम क्योंकि यहाँ पे 5 तरीके की इनकम तो जनरेशन प्लान से उठा रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा इनकम है, वो छोटी कैसे हो सकती है? वो तो एक तरीके से बोनस की तरह हमें एक्स्ट्रा मिल रही है। अब यहाँ पे मैचिंग बोनस की अगर हम बात करें कि जैसे सर ने पहले भी बताया कि अगर हम जनरेशन से बाकी कंपनियों से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि जैसे अगर ओरिफ्लेम से भी सर ने अभी कंपैरिजन करके बताया था कि ओरिफ्लेम, क्योंकि मेरी पहली कंपनी जो मैंने की थी जिसमें मैंने किया था, वाकई मुझे काफी दम लगा था। पहली जो वहां पे परसेंटेज आ रही थी वहां पे 3% की आ रही थी, फिर 6%, फिर 9%, फिर वहां पे 12%, 15%, फिर वहां पे 18% और 21%। इंसान का 12% पे आके ही दम निकल जाता है इंसान, उसके कई लोग ऐसे होते हैं मैक्सिमम 90% टीम यहीं पर आके दम तोड़ देती है, क्योंकि उसको उतने में पैसा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, सेलिंग बहुत करनी पड़ती है, और उसको उसका बारे में उतना बेनिफिट मिल नहीं पाता, और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चे बहुत सारे पैदा करने पड़ते हैं तो ये संभालने भी पड़ते हैं, और वो आसान काम नहीं है क्योंकि हम सबको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा फायदा क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट
कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं जनरेशन प्लान की, तो हम यहाँ से बात ये कर रहे हैं कि 20% की कमीशन कैसे दी जाती है और किसको दी जाती है। सपोज मैंने रुचिका जी को अपने साथ स्टार्टअप किया है, शी इज माई फर्स्ट जनरेशन, रुचिका जी इज माई फर्स्ट जनरेशन। मैंने एग्जीक्यूटिव लेवल किया, रीना इज माई फर्स्ट जनरेशन, मैंने लेफ्ट और राइट में इनको स्टार्ट किया। अब आगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव लेना है, तो व्हाट शी विल डू, उसके बाद ये अपने साथ दो लोग लेकर आएंगी। अगर मुझे टीम कमीशन चाहिए तो यहाँ पर मुझे भी कंपनी ने टारगेट्स दिए हैं, लेवल्स दिए हैं। जैसे पहला कमीशन लेने के लिए हमारा टारगेट क्या था, एग्जीक्यूटिव, जो हमें टीम कमीशन के लिए लेना पड़ा था। अभी अगर हमें ये कमीशन के ऊपर लेना है 20%, 15%, 10%, ये जनरेशन से आएगा। शी इज माई फर्स्ट जनरेशन, इन्होंने आपको ज्वाइन किया सर, तो ये आप मेरी सेकेंड जनरेशन रहेंगे, इनकी फर्स्ट जनरेशन रहेंगे, मेरी सेकेंड जनरेशन रहेंगे। आपने सुमी को रिक्रूट किया, शी इज माई थर्ड जनरेशन। सुमी ने नक्षत्रा को रिक्रूट किया, शी विल बी माई फोर्थ जनरेशन। नक्षत्रा ने सर को रिक्रूट किया, शी विल बी माई फिफ्थ जनरेशन, एंड सो ऑन। आपने इनको रिक्रूट किया, शी विल बी माई सिक्स्थ जनरेशन। तो इस तरीके से हमारे पास ये जनरेशन काउंट होती है। पहले हमें यह समझना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जनरेशन प्लान की बात कर रहे हैं, तो 20% की कमीशन मुझे चाहिए फर्स्ट जनरेशन से। इसको लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को अपना टारगेट जो करना है, मुझे अपना टाइटल चाहिए जेड, तो जेड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जेड करने के लिए मुझे या तो दो ऑप्शन दे रखा है कंपनी ने, लेकिन जो हम सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बोलते हैं अगर आप एग्जीक्यूटिव जितने ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा आपके टीम में उतना ज्यादा बढ़ोतरी होगी और उतनी ज्यादा डुप्लीकेशन की संभावना भी आपकी टीम में बढ़ जाएगी। तो एग्जीक्यूटिव रैंक मतलब यहाँ पर आपने एग्जीक्यूटिव किया था, अब आपने क्या किया, इन दो लोगों को तो कहा कि अपने साथ दो लोग लेकर आओ, ये लोग दो दो लोग लेकर आए, ये दो तो एग्जीक्यूटिव हुए। आपने साथ में क्या किया, अपना पर्सनल काम नहीं छोड़ा, आपने भी अपनी तरफ से, क्योंकि दिस इज जस्ट बी फ्रॉम यू, और आपने यहाँ पे भी अपनी तरफ से दो लोग और लेकर आए, और इनके नीचे भी आपने इनको हेल्प करी दो लोगों को एग्जीक्यूटिव बनने में। अब आपके पास फोर डायरेक्ट हो गए जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, फोर डायरेक्ट पीपल विद एग्जीक्यूटिव लेवल। यहां पर आपकी पोजीशन हो जाती है जेड की, और आइदर आपको यहां पर अपने साथ टोटल 8 डायरेक्ट से स्पॉन्सर चाहिए, और 8 डायरेक्ट से स्पॉन्सर चाहिए। उस 8 को डायरेक्ट को स्पॉन्सर करने का तरीका क्या है, जैसे अभी बोला गया कि अगर आप ये सोच रहे हैं कोई आपके पास बाइनरी कॉम्पनसेशन से आता है, तो टोटल बाइनरी कंसेप्ट से आना है, उसको आपको एक क्लियर करना जरूरी है। वी आर इन जनरेशन प्लस बाइनरी कॉम्पनसेशन प्लान, तो यहां पर आपको कंपनी एक टारगेट देती है कि आपको 70:30 का रेशो रखना ही पड़ेगा। मीन्स अगर आपको जेड डायरेक्ट से करना है, तो आपकी मजबूरी है कि एक तरफ आपको 5 और एक तरफ 3 लोग ये रिक्रूट डालना ही पड़ेगा, तभी आप जेड क्वालिफाइड होते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट टाइटल, जिसको हम बोलते हैं पर्ल, यहां पर हमने 20% की कमीशन ली, किस पे, फ्रंट पे। अब मुझे ये कमीशन कौन सी मिलेगी, मुझे इनकी टोटल इनकम की नहीं मिलेगी, मुझे कौन सी कमीशन मिलेगी, जो इनकी साइकिल इनकम है, क्योंकि हमारा थर्ड वे ऑफ इनकम है ना साइकिल इनकम, तो साइकिल इनकम जो इनकी अर्न होगी। सपोज इन्होंने एक साइकिल बनाई, इनका 2275 रुपए आया, मतलब $35 आया, तो कंपनी मुझे इनकी इनकम, इनको तो दे रही है पूरा $35, बट मुझे भी $7 की इनकम मिलेगी, जो कि मेरी 20% की कमीशन रहेगी कंपनी के द्वारा। अगर ये 1000 साइकिल बनाती हैं, तो इनके इनको 1000 साइकिल का बेनिफिट मिलेगा, तो अगर ये $1000 हर हफ्ते अर्न करती है सिर्फ साइकिल कमीशन से, तो कंपनी $200 मुझे भी पे करेगी, क्योंकि मैं इनकी डायरेक्ट स्पॉन्सर हूँ, ये मेरी फर्स्ट जनरेशन है, बट सिर्फ साइकिल इनकम का, इनके लीडरशिप मैचिंग बोनस का नहीं, सिर्फ साइकिल इनकम का। अब कंपनियां मुझे क्या कहती है, अगर मेरे को सेकंड जनरेशन से, मतलब सर के, क्योंकि ये रुचिका जी की डायरेक्ट है, रुचिका जी अगर कैपेबल लीडर है, तो एक बंदा तो नहीं लेकर आएंगी, कि अपने साथ मेरे जैसे 10 लोग लेकर आएंगी, तो ये जो कमीशन अर्न करेंगे अपनी साइकिल से, उसका 15% अगर मुझे चाहिए, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मेरा टाइटल क्या होना चाहिए, उसके लिए मेरा टाइटल होना चाहिए पर्ल। तो पर्ल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पर्ल के लिए मेरे पास अपने डायरेक्ट से, जैसे यह 4 लोग थे, यहाँ पे 8 लोग होने चाहिए, जो कि 5 और 3 की रेशो में रहेंगे। ये जो
लोग हैं, ये 8 के 8 लोग एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, और या आपके डायरेक्ट से 12 लोग भी हो सकते हैं, ये 12 लोग, लेकिन आपके यहाँ पर कम से कम 9 और यहाँ पर कम से कम 3, इस रेशो में यहाँ पर लोग रहेंगे। तब आप यहाँ पे पर की लेवल पे आते हैं, जब आपका पर लेवल होता है तभी आपको कंपनी 15% की कमीशन देती है। मतलब आपको जनरेशन प्लस बानी दोनों कंसेप्ट को लेके चलना यहाँ पे जरूरी है। कंपनी मेहनत करने वालों को सब कुछ देती है, लेकिन जो सिर्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं कंपनी उनके लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा जरूर कर देती है। अब थर्ड, यहाँ पर ही आपको क्लियर हो गया सबको, पर सेकंड लेवल की इनकम का। अब थर्ड लेवल की इनकम मुझे चाहिए 10%, तो यहाँ पर कंपनी ने मेरी कंपनसेशन रखी है कि मेरा टाइटल सफायर होना चाहिए। मीन्स रुचिका जी से तो मुझे 20% मिल रहा है, रीना से तो मुझे 20% मिल रहा है, बट मुझे अपने साथ और लोग चाहिए, क्योंकि अगर मुझे आपका भी चाहिए और आपकी आगे जो आपने फर्स्ट जनरेशन है, मतलब जो मेरी थर्ड जनरेशन, मतलब रुचिका जी ने आपको ज्वाइन कराया, आपने इनको ज्वाइन करवाया, अगर नेहा के और उनके साथ के लोगों के जिनको आपने ज्वाइन करवाया उनकी कमीशन मुझे चाहिए 10% की, तो मुझे यहाँ पर अपना टाइटल चाहिए सफायर का। सफायर लेवल के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, आई नीड 12 एग्जीक्यूटिव्स। अब 12 एग्जीक्यूटिव मजबूरी है, और वो भी इसी तरीके से रहेंगे कि 9 लोग एक तरफ, 3 लोग एक तरफ, और ये लोग सभी लोग एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, मिनिमम ये टारगेट रहेगा ही रहेगा। मींस कंपनी आपको कंपनसेशन करती करती है कि आपको 70:30 रेशो पे काम करना ही करना है। अब ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, ये तो थर्ड जनरेशन तक रहा, जब आपका सफायर होगा, सफायर के बाद जैसे आप लोगों को पता है सफायर एलीट तक हमारे पास 10% का रहेगा, उसके बाद हमारे पास रहता है रूबी, जिससे कि हमारी फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट होती है इनकम, रूबी एम्ब्रॉयड फिर डायमंड एंड अबव, ये हमारे पास रहता है, तब हम 7 जनरेशन की इनकम आगे अर्न कर पाते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? हमें कंपनी 7 जनरेशन तक की इनकम देती है, और ये 7 जनरेशन कम नहीं होती है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मेहनती है और डेडिकेटेड है, सपना लेकर आता है, तो वो केवल एक व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराता है, वो कम से कम 12 लोगों को तो खुद ज्वाइन कराता है, और ये 12 लोगों में से भी अगर आपके पास आगे सफायर्स बनते चले जाते हैं, तो डायमंड लेवल के लिए अगर आप कहते हैं, जो इसके बाद की अगली इनकम जो रहेंगी, जो कि जिसके लिए आपको 5% अगर ये सारी इनकम्स आपको चाहिए, तो एक कम इनकम नहीं है, ये बहुत बड़ी इनकम है, हो सकता है ये कल को बाइनरी से भी बड़ी इनकम निकल के आती है, क्योंकि सपोज मेरे जैसा व्यक्ति है वो एक व्यक्ति को करा के बैठता नहीं है, हमारे जैसे लोग रेगुलर अपने पर्सनल रिक्रूटिंग पे ध्यान देते हैं, और इसीलिए इस तरीके की इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि आप लोग भी उस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में शामिल कर लें। क्योंकि एक कहावत जो मैंने अपने या एक बात मैंने सीखी अपने मेंटोर से, कि जो व्यक्ति पर्सनल रिक्रूटमेंट नहीं छोड़ता वो कभी भी बिजनेस में उसको कोई डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि वो लगातार अपने लिए नई विंडो खोलता चला जाता है, नए दरवाजे खोलता चला जाता है। तो पर्सनल रिक्रूटिंग इज मस्ट। तो अगर आप यहाँ पर रुक रहे हैं, कम से कम 12 लोग तो आपके साथ रहेंगे, और 12 लोग अगर आप कैपेबल लीडर हैं, तो कम से कम 12 तो कैपेबल लोग ढूंढ ही लेंगे ना अपने साथ। तो ये 12 लोग भी अगर अपने साथ 12 लोग लेके चलते हैं, ये 12 अगर अपने साथ 12 लेकर आते हैं, और इसी तरीके से ये 12 सब लोग लेकर आते हैं, तो आपकी यहां तक आते आते आपकी लीडरशिप मैचिंग बोनस कितनी जबरदस्त बन जाती है। ये चीज को लेके हमारी फोर्थ इनकम स्टार्ट होती है। अब एक चीज और, अगर ये फर्स्ट जनरेशन इनकम, अब हम बात करते हैं वापस, जो आप लोगों को एक थर्ड डाउट, अब हम वापस आते हैं, ये फिफ्थ वे ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटर रिटेंशन इंसेंटिव, आप लोग इस बारे में डाउटेड थे, क्वेश्चन था ये क्या इनकम है। अब ये इनकम वो है जो आपकी फर्स्ट जनरेशन की इनकम को रेज कर देती है। मींस जो 20% आपको मिल रहा था आपके फर्स्ट जनरेशन से, वो 25 भी हो सकता है, वो 30 भी हो सकता है। जानना चाहते हैं कैसे? अब यहाँ पे कंपनी आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है, कंपनी आपको हमेशा प्रोत्साहित करती है कि आप आगे बढ़कर काम करें। अगर आपको 25% की कमीशन चाहिए फर्स्ट जनरेशन की सपोज, तो आपको अपने डायरेक्ट से 5 लोगों को एक्टिव रखना पड़ेगा हर महीने, तब आपकी कमीशन 25% पे कन्वर्ट होती है। इसको बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन इंसेंटिव। उसके बाद
आपके चाहे वो डायरेक्ट के 5 कस्टमर्स हो या डायरेक्ट के 5 लीडर्स हो, मतलब वो प्रीपेड स्मार्ट डिलीवरी पे होने चाहिए। बिंगा यहाँ पे हम लीडरशिप कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, दे शुड बी ऑन प्रीपेड स्मार्ट डिलीवरी। मालूम है ना प्रीपेड स्मार्ट डिलीवरी क्या होती है हम सबको। उसके बाद ये कमीशन 30% तक भी रेज हो सकती है अगर आपके डायरेक्ट के 10 लोग एक्टिव रहते हैं प्रीपेड स्मार्ट डिलीवरी पे। मीन्स तो आप ये जो फर्स्ट जनरेशन की इनकम 20% कंपनी आपको देती है ये रेज हो जाती है 30% तक। तो अभी जो मुझे $60 मिल रहे थे एक साइकिल पर, तो मेरी कितनी हो जाएगी, जो $1000 की इनकी इनकम जो साइकिल की हो रही थी उसे जो मुझे $200 मिल रहे थे वो अगर $300 मिलेंगे तो क्या मुझे बुरे लगेंगे? और वो एक व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, 10 लोग अगर एक्टिव रहेंगे तो 10 लोगों से मिलेंगे। तो इसके लिए कंपनी हमेशा प्रोत्साहन देती रहती है, इसलिए इसको कस्टमर रिटेंशन प्रोग्राम भी कहा गया है। ये क्लियर हो गया 50 ऑफ इनकम सबको? अब 6 वे ऑफ इनकम जिसके बारे में बात हो रही है, डायमंड पूल के बारे में। इसमें ये कोई डाउट है इस वाले इस प्रोग्राम में? सर इसको और डीपली एक्सप्लेन करो। अब आती है डायमंड बोनस पूल की। हम सब डायमंड 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 कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ग्लोबल टर्नओवर का 3% का हिस्सा दिया जाता है एज अ रॉयल्टी डायमंड को। पर डायमंड बनते कैसे हैं उसके बारे में तो हमने कुछ पूछा ही नहीं। मेरे को मैंने उनके जो डिस्क्राइब करे थे मैंने बोला ना कि डायमंड करने के लिए, डायमंड बनने के लिए करना क्या पड़ता है आपको इतना पता है? 12 एग्जीक्यूटिव से आप सफायर बनते हैं, ये हमारा पहला स्टेप है। 12 एग्जीक्यूटिव से जो कि आपको दोनों तरफ करने पड़ते हैं 30-70 का करना है। अगर आपके 12 जो ये एग्जीक्यूटिव करने से आप सफायर करते हैं, अगर आपके 12 लोगों में से 6 लोग सफायर हो जाते हैं प्लस 1000 साइकिल जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबसे आती है, ये आपकी विद इन अ मंथ होती है। क्लियर है ये बात? आपके 12 में से कम आपके पास 6 एक्टिव सफायर होने चाहिए, ठीक है, और आपकी टोटल महीने में एक साइकिल होनी चाहिए 1000, और ये 6 महीने का आप रेगुलर कंटिन्यू करते हैं, देन ओनली यू आर डायमंड। तब आप 3% के हिस्सेदार बनते हैं। और ये 3% का हिस्सा कहां से मिलता है? सर ने बोला था ना 1000 सीवी जो पर्सनल ग्रुप से आते हैं, बिकॉज वी आर इन अ जनरेशन प्लस बाइनरी प्लान। तो 5 वेज ऑफ इनकम हमारी जनरेशन मतलब डायरेक्ट ग्रुप के ऊपर डिपेंड है। जैसे अभी कंपनी ने बोनसेस लेकर आती है तो जितना बड़ा आपका डायरेक्ट ग्रुप रहेगा उतना बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए कहा जाता है बाइनरी छोटी इनकम नहीं है, क्योंकि वी आर इन अ जनरेशन प्लस बाइनरी प्लान मतलब बाइनरी तो हमें एक तरीके से झोली में पड़ के मिल रही है, वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा इनकम है, क्योंकि मैक्सिमम इनकम तो हम जनरेशन से उठा रहे हैं। 5 वेज ऑफ इनकम तो हम जनरेशन से उठा रहे हैं, बल्कि इसके अलावा भी मैं तो 5 वेज 6 वेज ऑफ इनकम भी काउंट नहीं करती हूँ। अगर मैं टोटल इनकम काउंट करूँ तो मैं तो 9 वेज ऑफ इनकम काउंट करूँ। सीरियसली फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक टीम की तरह बात कर रही हूँ। मैं अगर अपनी इनकम काउंट करूँ बिकॉज आई एम अ फाउंडर लीडर तो मुझे कंपनी की तरफ से 2% का और भी तो मिलेगा, लेकिन वो भी तब जब मेरे डायरेक्ट से 5 लोग एक्टिव रहेंगे, मेरी मंथली कम से कम पर्सनल ग्रुप से 1000 रहेगी तो उसमें भी मुझे एक शेयर मिलेगा। उसके लिए भी कंपनी ने और प्रीपेड स्मार्ट डिलीवरी का ऑप्शन इसीलिए रखा गया ताकि हमारी टीम ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहे। ये डायमंड कैसे बनते क्लियर हो गया? तब अगर आप मेंटेन रखते हैं तब आपको क्वार्टरली दिया जाता है, और फाउंडर इनकम जो दी जाती है ना, जैसे सर आप फाउंडर लीडर हैं, आप फाउंडर लीडर हैं, इस तरीके से जो फाउंडर लीडर या सुमी फाउंडर लीडर है तो इनके लिए क्या है, इनके लिए रॉयल्टी 5% बन जाती है, लेकिन ये 2% एक्स्ट्रा बन गया उनके लिए। किस बात पे? क्योंकि उन्होंने बहुत टाइमली डिसीजन लिया, तो जो ये काम डायमंड पे कर रहे हैं 3% के बजाय उनको उसी पे 5% की बेनिफिट मिलेगा, मतलब 3 की जगह 5% की रॉयल्टी होगी। ये भी हो गया, ये क्लियर हो गया सबको? डायमंड कैसे बनते हैं, कैसे डायमंड की कमीशन मिलती है, ये क्लियर हुआ? जितना मुझे क्लियर है आई एम टेलिंग दैट। उसके अलावा जैसे आप सब लोगों ने देखा रिवॉर्ड, हम लोग अभी सिंगापुर हो गया है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। अब सिंगापुर जाने के लिए मैं तो कहां थी, सफायर लेवल पे थी। सफायर लेवल क्या होता है, केवल 12 एग्जीक्यूटिव्स, लेकिन स्टिल मैं सिंगापुर होके, क्योंकि आप ट्रेवल पॉइंट से क्वालिफाई कर सकते हो। शी वॉज क्वालिफाइड क्योंकि इनके पास ट्रेवल पॉइंट थे, शी वॉज क्वालिफाइड, लेकिन ये भी नहीं गई, ये भी क्वालिफाइड थी, 100 ट्रेवल पॉइंट थे, टिकट क्वालिफाई थी, पासपोर्ट नहीं था।
अगर 400 पोर्ट ट्रैवल पॉइंट होते तो ये मेरी तरह पूरी तरीके से ये भी एलिजिबल होती, और जैसे भी कंपनी ने आइसलैंड का दिया था आगे कंपनी कोरिया का देगी, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। आप किसी भी लेवल पे हैं आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं ट्रैवल पॉइंट्स की बदौलत, या फिर जैसे आप साइकिल्स पे आगे बढ़ते हैं तो कंपनी उसके रिवॉर्ड्स अलग देती है। जब आप डायमंड रैंक पे होते हैं, एमराल्ड लेवल पे होते हैं, तो कंपनी उसके लिए अलग आपको एक लाइफस्टाइल, मतलब लाइफस्टाइल होता है जो आइसलैंड का, वो लाइफस्टाइल ट्रिप है। जो हमारा सिंगापुर का था वो एक्सपो का था, वो एक ट्रेनिंग प्लस लाइफस्टाइल ट्रिप था। तो इस तरीके से डायमंड मतलब लग्जरी, आपको आनंद की जिंदगी जीने का मौका दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा, कि मतलब आप ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जी सकते हैं। दुनिया भर की जितनी भी नेमतें हैं वो आपके लिए हैं, चाहे कितना भी बड़ा होटल हो, चाहे कितना भी महंगा रिजॉर्ट हो, वो आपके लिए बनाए, वो है एक लाइफस्टाइल रिवॉर्ड। और जूनियस के जैसा लाइफस्टाइल रिवॉर्ड आई बेट यू कोई कंपनी नहीं देती। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस सिंगापुर में फील किया, बिलीव मी फ्रेंड्स, मैंने कितने बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड किए थे, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया लेवल की नंबर वन की लीडर थी पिछली कंपनी में, और वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल था। बट बिलीव मी, ऐसा लाइफस्टाइल जितना मैंने वहां देखा, और वो तो छोटा सा एक्सपो का इवेंट था सिंगापुर जैसी कंट्री में, और हमारी कंपनी करीबन 10 एक्सपो करती है सर पूरे साल भर में 10 एक्सपो करती है। और साल में जैसे हमारे ट्रिप्स हैं फॉरेन ट्रिप्स, अभी जैसे हमारा आइसलैंड, वहां से हम सिंगापुर से निपटे, आइसलैंड आया, आइसलैंड के बाद अभी कोरिया आया, तो हर 3 महीने में कंपनी कुछ ना कुछ लेकर आती रहती है। साल में 4 ट्रिप्स कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन के बारे में, इंडिया में रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन इंडिया से बाहर आपको $30 पे करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी आप ऑल ओवर वर्ल्ड काम कराने के लिए फ्री हैं। पैकेजेस के बारे में जानकारी लेनी हो तो इस तरीके से बिगनर पैकेजेस आपके बैक ऑफिस में भी दिखाई दिए जाते हैं, बट उसके लिए जिसने अभी तक शॉपिंग नहीं करी है, एक बार भी जो नया कंज्यूमर बना है, केवल उसके में जब आप एक बार पैकेज ले चुके हैं आपके वो पैकेज दिखाई नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि कंपनी आपको पैकेज लेने का मौका एक ही बार देती है, और पैकेज हमें फायदा देते हैं, हमें बेनिफिट देते हैं उस सब सामने वाले को समझाने में कि आपको यहाँ पर कंज्यूमर भी बनना है, तो अपनी आईडी पर लेके कंज्यूमर बनना ज्यादा फायदेमंद का सौदा है। तो उसके लिए ताकि कल को वो यूजर हमारे साथ एक बिजनेस में कन्वर्ट हो सके, ये उसके लिए मौका दिया जाता है। तो इस तरीके से बिजनेस पैकेजेस हैं, और इस बार हमारे पास अल्ट्रा बिजनेस पैकेज जो बन गया, जंबो पैकेज है, वो भी हमारे पास आया, 1,30,000 के लगभग का वो पैकेज है, जिसके बारे में गोवा में भी एक्सप्लेन किया गया था, उसके बारे में प्रशांत सर आप ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये तरीका तो रहता ही रहता है, लेकिन जैसे हर 3 महीने में या 2 महीने में हमारे पास बोनसेस अलग आ जाते हैं, वो हमारे पास अलग इनकम है, फाउंडर इनकम अलग है, तो 9 वेज की इनकम हुई या नहीं हुई, तो कंपनी ऑफिशियली कहते हैं 6 वेज, बट 9 वेज की इनकम है, और रिटेल प्रॉफिट भी हम हर तरीके से उठा सकते हैं। जैसे अभी हमारा 15,000 रुपीज में 4 बॉक्सेस आ रहे हैं जो रिजर्व के, तो अगर हम उसको 7.5-7.5 का भी सेल आउट करते हैं तो 100% हम लोगों ने रिटेल प्रॉफिट इमीडिएट इनकम की तरह काउंट होगा या नहीं होगा। 50% पे हमारे पास ल्यूमिनस की 4 प्रोडक्ट्स की रेंज आ रही है, अगर हमने उसको 60% पे भी हमने उसको दे दिया लोगों को 10% की कमीशन, या हम लोगों ने उसको MRP से 50% भी दिया, तब भी हमारी यूजर्स भी बनेंगे और हमारे पास एक इमीडिएट जो हमारे पास एक्टिव इनकम है वो हमारे पास बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इज इट सो। तो इस तरीके से हम लोग लोगों को समझा सकते हैं, बताना हमने कि हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है, कंपनी की तरफ से हमारे पास कोई कमी नहीं है। बाकी सर इसके बाद ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करेंगे, दिस वॉज एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सर।